सच में एक महान व्यक्ति। लिंग में तनाव की कमी नहीं बाबूजी, क्योंकि आधी जिंदगी ऐसी चलेगी। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से और मेरे चैनल के तरफ से। और चलिए बात कर लेते हैं आज का ये मूवी आई है, कॉमेडी है, कॉमेडी बिल्कुल कॉमेडी है, क्योंकि दिल है बचपन का और उम्र है पचपन का। क्योंकि एक मूवी ऐसी आई है जो आप देखते ही आप कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा कि लगता है कि हमें भी थाईलैंड में जाना पड़ेगा, कि वहाँ पर कुछ ऐसे सीन है, देखने में तो मजा आ जाता है, स्वर्ग बसता है। क्योंकि हम नहीं कर रहे, ये भाई साहब कर रहे हैं, क्योंकि इनका दिल है बचपन का, उम्र होगी बचपन का, फिर भी इनका मन अभी तक उसी में जाकर अटका है। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि मरने के बाद हमें कोई नहीं पूछने वाला है, इसलिए मरने से पहले यानी मेरे फोटो पर माला चढ़ने से पहले मुझे भी ये काम करना है। ये भाई साहब इनका मन में कैसे ख्याल आ गया? क्या बात है सर, क्या बात है सर। की स्टोरी तो कॉमेडी बिल्कुल है। अगर आप इस पार्ट टाइम मूवीज को देखेंगे तो एक बात रियलाइज होगा कि फिल्म मेकर कुछ ऐसे सोच कर बनाया है कि ये कभी कभी दुर्घटना घटती है, क्योंकि बचपन वाले उम्र के व्यक्ति का इसमें फिल्म का इमोशन डाला गया है। क्योंकि दिखाया गया है कि उनका भी कुछ कुछ ऐसा मन होता है मगर कहते नहीं है, खासकर आजकल के समाज के लेकर, और उसमें कुछ कुछ उनकी बातें भी चलने लगती है, इसी के डर से ये बोल भी नहीं पाते हैं, कर भी नहीं पाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि एक हाथ जो करे तो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए क्या हुआ, ये हाथ से करो और दूसरे को पता भी नहीं चलेगा। इसी 11 नवंबर को आएगी और देखना होगा क्या खास कर पाती है मूवी। मगर खास करने से पहले एक बात और, ये भाई साहब की अगर मूवी में आ जाते हैं ना, जो करे तो दूसरों को पता नहीं चलना चाहिए क्या हुआ, जाने चाहिए था ये। बस उतना खास बात नहीं है, बस इतना खास बात है कि उन युवाओं को देखना होगा जिस यहाँ गर्लफ्रेंड हो उसके साथ जाकर ये देख सकते हैं मूवी, खासतौर इनके लिए भी बनी है। और एक और बात, ये उम्र पचपन वाले का व्यक्तियों की फीलिंग्स को फिल्म मेकर ने इस मूवीज में उतारा है, कि उनका भी कभी कभी मन होता है मगर बोल नहीं पाते हैं, इसी के रीजन से ये मूवीज उनसे रिलेटिव बनी है, मगर उतना खास उनसे नहीं है। ये शायद ही 100 में से 2% आदमी का ही ऐसा फीलिंग जागता है, और ये भाई साहब उतना फीलिंग जागा कि ये चले गए हनीमून मनाने और जाकर वहाँ पर खूब मौज की और कहने लायक नहीं रहा। तो चलिए इस मूवीज में आप कुछ कुछ ऐसे सीन देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा और ऑडियंस को भी मजा आएगा और पैसा भी वसूल हो जाएगा देखने में, और आपको भी और फिल्म मेकर को भी।